एसबी कठुआ दिखने वाले सारे दर्शकों की वीडियो जलने सुदर्शन बार गए तो तुम लोग अपने दोस्त उतीन शर्मा तरफो सारे की राम राम। इसलिए तुम वीडियो दिखा करते हो दीए ये मिट्टी के दीए है जेडे दीए अस दिवाली जिले त्यौहार आता अस लैने होने पर कि तुसी पता है कि ये दीए किन्नी मेहनत करने बनते हैं प्रजापति बिरादरी जेडे लोग है वो किन्नी मेहनत करने जेड़ा है ना ये दीया तैयार करते हैं कुत्थों कुत्थों उन्हें कि मिट्टी लियाने पौंदी है ते इस दीए च उंदी मेहनत ते कन्ने उंदा प्यार है। अस तुसी एस बी कठुआ टीम ना हुण वीडियो दसने जिहदे विच तुसी की दसने एक शख्स प्रजापति बिरादरी दे जेड़े किन्नी मेहनत कन्ने दीए बनाए करदे ते किन्ना खुशी है उन्हें कि दीए बनांदे बस इक्को आस हुंदी जिले भी दिवाली आती कि लोग जेड़े है ना ये दीए लगे पर लोग के करते हैं लोग ये दीए नहीं लेंदे लोग लेंदे भी के एक या दो दीए लोग केड़े वो जेड़े चाइनीज़ दीए नहीं होंदे चाइनीज़ लाइट वाले जिहदे विच इलैक्ट्रिक इत्थे बल्ब बुल्ब लगे होंदे पहले तो चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन है पर तां भी लोग जेड़े चोरी चोरी बेचे करते तो वह दीए लाते हैं क्या ये दीए लाते तुहानू के कुछ तकलीफ है अस तो यही गलाना कि तकलीफ ही है तां नहीं तुस लाते हो इन्नी मेहनत करने जेड़े दीए बंदे पहले तो तुसे वीडियो दिखो ना किन्नी मेहनत करने जेड़े है ना वीडियो दीए जेड़े है ना बने करदे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुमचंद। हुकुमचंद जी कितने साल हो गया मुझे काम करते हुए? मुझे 40 साल हो गया ये काम करते हुए। 40 साल काम करते हो? क्या क्या बनाते हैं आप? घड़े बनाते हैं, जब घड़े का सीजन आता है घड़े बनाते हैं, घड़े का सीजन खत्म हो जाता है दिवाली पे, दिवाली के त्यौहार की तैयारी करते हैं वो बनाते हैं सामान दीवे वगैरह।
हर डिज़ाइन के बनाए जाते हैं और हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, बनाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे हैं। तो क्या नौकरी है आप, नौकरी पेशा आपका या यही काम? यही काम है, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया अच्छा, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिली, इसलिए हम यही काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इससे गुजारा हो जाता है आपका? हाँ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और क्या। मेहनत जितनी मेहनत करेंगे इतना फल मिलेगा। आजकल मशीनी ज़माना भी आ गया, मशीन से बनाए जाते हैं। हाँ, पैरों से भी चलाते थे हम पहले, चक वो भी रखा हुआ है, लेकिन ये छोटी सी मशीन भी रखी है, इस पर भी बना लेते हैं। हाँ जी, कितने रोज़ की आपके दिवाली का सीजन है, कितने दीवे बना लेते हैं रोज़ के? रोज़ का एक कोई पूरी दिहाड़ी लगे 1000 दीवा बना लेते हैं। 1000 दीवा, ये काफ़ी मांग होगी यहाँ। जो जितना बनाते हैं माल, कभी बिक भी जाता है सब। जब कोरोना का टाइम था तब क्या हाल था काम का? कोरोना के टाइम हालात थोड़े हमारे बहुत कमज़ोर ही रहे हैं, बहुत मुश्किल है। मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने गरीबों को राशन दिया, हम बहुत उसके शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि पोजीशन थोड़ी डाउन ही रही, हालात टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था। हम चाहते हैं कि अभी थोड़ी महंगाई कम हो तो हम उसे अपना जो टाइम अच्छा पास करें, ये बात है। हाँ, और यही काम करते हैं, मिट्टी का शुरू से लेकर मेरा बाप भी यही काम करता था, हम भी यही काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो बाहर बाजार में बेचते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। थोड़ी और बोलना है, मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारी प्रजापतों की मिट्टी है, जहाँ नजायज़ कब्जे किए गए हैं, उनको आज़ाद कराया जाए ताकि हम मिट्टी लेकर अपना कारोबार बढ़ा सकें, यही कहने चाहते हैं। और मिट्टी लाने में कठिनाई होती होगी आपको? नहीं, जहाँ जहाँ मिट्टी हमारी थी हम बाहर से लाने पड़ती, दूर से जो हमारी मिट्टी थी जितनी भी, वहाँ पे नजायज कब्जे कर लिए और वहाँ पे फसल लगा जाती है, हमें मिट्टी नहीं मिलती है, बहुत परेशानी आ रही है, इसलिए अब हम बहुत कम लोग रह गए हैं जो हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हाँ जी, और प्रशासन की तरफ से आपको मदद दी जाती है? प्रशासन की तरफ से अगर मदद होती तो हमारी मिट्टी पे नजायज़ कब्जा किया किसने, जिसने वो कभी नहीं कब्जा करता और मिट्टी आसानी से मिल सकती है। सरकारी ज़मीन है जहाँ मिट्टी लेते थे आप? नहीं, वो हमारी अलाटमेंट थी। अच्छा। सन 1979 में की गई थी, डिप्टी कमीशन ने किया था, दिए थी हमें। वैसे तो वो सैकड़ों साल पहले की पुरानी मिट्टी, कुमार मिट्टी कहला जाती है, ये गांव चक लुडन में पड़ती है, खसरा नंबर 32 है, लेकिन उससे रेवेन्यू ने कोई कंट्रोल नहीं किया, वो जो भी आता है उसमें हल चलाता है, कब्जा नजायज करके उसको फसल लगा लेता है, लेकिन हमें मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए हमें दूर दूर से मिट्टी लानी पड़ती है, इसलिए काफ़ी लोगों ने ये काम छोड़ दिया है। तो मिट्टी की बराज वजह से हमारी 10 कनाल ज़मीन थी, 10 कनाल जगह पर ज़मीन पर नजायज कब्जा कर लेती, प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। हम यही मांग करना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि उस मिट्टी को आज़ाद कराया जाए, जो नजायज़ फसल लगाते हैं वहाँ पे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, हम यही उम्मीद करते हैं।
पर बेच रहे हो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुम चंद। हुकुम चंद जी, बताएं कि दीवे बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? दीवे बनाने के लिए हमें दूर मिट्टी दूर से लाने पड़ती है, जहाँ पे गाड़ी पे वो जम्मू साइड से लाने पड़ती है, और फिर कठू पर लाते हैं हम मिट्टी, तो वो तोड़ते हैं, फिर उनको सकाना पड़ता है, फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसको अच्छी तरह से गोंदने पड़ता है, फिर गोंदने उसके बाद फिर उसको मिट्टी को एक थड़ी लगाने पड़ती है, फिर उसके बाद हम मिट्टी बनाना बर्तन बनाना शुरू करते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब बनाते हैं कितने लोगों का आपको सहयोग मिलता है घर में? घर में जो जितना भी सब परिवार है, सब हाथ बटाई करते हैं, सब काम कराते हैं हमारे साथ, जो जिसका काम है वो करवाते हैं ये। और मिट्टी हमें दूर से लानी पड़ती है, जो आसपास की मिट्टी थी वहाँ पे नजायज़ कब्जा कर ले करके किसने फसल लगा ली है, अगर वो वहाँ से मिट्टी नहीं मिलती, जहाँ नज़दीक ही पड़ती मिट्टी हमारे 5-6 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर, लेकिन वहाँ मिट्टी नहीं लेने जाते, जब जाते हैं वो फसल लगा लेते हैं ज़बरदस्ती। वो पर्जा का सफा का रकबा है, वो 10 करोड़ रकबा है, लेकिन वहाँ पर नजायज़ कब्जा किया किसी ने। हम चाहते हैं, शासन से कहने चाहते हैं कि उससे चक लुटने पड़ती है, खसरा नंबर 32 है, हम बताते हैं, लेकिन रेवड़ों वाले कोई उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लेते। हाँ, काफ़ी मेहनत करके आप ये फिर हमें उसे बर्तन को बनाकर फिर सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर ये बर्तन फिर उनको पकाने का मटेरियल लाने पड़ता है, जैसे कि गोबर वगैरह, लकड़ी वगैरह जो इकट्ठे करने पड़ती है, वो पराली वगैरह, वैसे धान का जो छिलका होता है वो सब ये इस्तेमाल करने पड़ता है, फिर जाकर बर्तन पकता है। उसके बाद फिर हम जब पक जाते हैं, कुछ टूट भी जाते हैं, तो उसके बाद जो है तो फिर उसको रंग रोगन करते हैं, जो रंग रोगन वाला है, जो प्लेन रखने वाला उसको प्लेन रख लेते हैं, फिर इस हिसाब से फिर बाज़ार में हमें बार सब बेचने पड़ता है। मेहनत तो बहुत है इसकी, बहुत मेहनत है। जब त्यौहार आता है, दिवाली का त्यौहार, खुशी तो होती होगी मन में, त्यौहार आने वाला है, अब काम ज़्यादा होगा? हाँ, जब दिवाली का त्यौहार आता है हमें तो खुशी होती है, चलो 4 पैसे आएंगे, अपना घर का जो है वो रोजी रोटी चलती चलेगी, और भी कई ज़रूरत पड़ेगी पैसे वहाँ पे भी खर्च करेंगे। हाँ, और क्या क्या बनाया जाता है यहाँ के घर में? हमारे घर में ये बनाया हांडियाँ बनाई जाती हैं मिट्टी की, दाल बनाने वाली, घड़े बनाते हैं, वो गागरें होती वो बनाते हैं, वाटर कूलर बनाते हैं, फिर ये उसके बाद जो ब्याह शादी में काम आते हैं कुंभ वगैरह, वो लगाए जाते हैं, फिर तम्बाकू पीने वाली जो टोपी वो लाते हैं, वो बनाते हैं हम, तो हुक्का वगैरह सब बनाते हैं, यानी हर वैरायटी बनाई जाती है, जो जो लगती है बाज़ार में, हवन थकाने वाली, जैसे ये है ये बनाया है हमने, ये दफैड़ी इसे बोलते हैं, इसमें आग डाल जलाकर लोग हवन वगैरह करते हैं, ये हमारे हिंदू समाज का ये जो परम्परा है, तो फिर इसमें ये भी काम आती है, यानी कि हर वैरायटी बनाते हैं, जो बिकने वाली हर वैरायटी बनाते हैं। वीडियो यही दसना चाहते हैं तुसे कि वीडियो के जरिए कि इन्नी मेहनत करने एक प्रजापति बिरादरी है जेड़ा शख्स है दीए तैयार करता तो उसके चेहरे उपर जी है ना मुस्कान आ जाती जिले भी दिवाली आती, क्योंकि तुस लोग जड़े दीए खरीदने, पर
प्रधानमंत्री मोदी जी साढ़े वो भी एक लांदे वोकल फॉर लोकल, लोकल समान खरीदो। उन्हें परसों जो जिले भाषण होया नहीं उस उन्हें यह गलाया कि तुम ना लोकल देश का समान खरीदो, बाहर समान खरीदने की जरूरत नहीं है। तो एस बी कठोरे टीम भी तुम यही भी आ गई, चाहे जी मर्जी दुकान उपर जाओ, जिथे मर्जी जाओ बाजार से, हर जगह जड़े है ना पूरे शहर से ना दीए लगे होने, तुसें केह करना ये दीए जड़े है ना मिट्टी दीए खासकर जरूर जड़े है जलाने, तो इंदे कन्ने जड़ी है ना तुस दियाली जड़ी है ना खुशी खुशी अपने सारे घर आह्ले कन्ने ना मनानी है। हुण इस वीडियो की मते कोलों मता ना शेयर करियो, कन्ने एक बार परती गलागा तुहानू वोकल फॉर लोकल।